नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका सबका स्वागत। आज मैं आपको एक्सेल का और एक बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ। बहुत बार हम लोग कुछ आंसर निकालते हो तो डेसिमल प्लेसेस पे कभी 1 आता है, कभी 4 आता है, कभी 2 3 आते हैं। तो 1 टाइम हमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, यानी इंटीजर चाहिए नंबर, जिसको कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। तो वो कैसे ला सकते हैं? तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल पहले समझो, हम लोग ये देख लेते हैं कि ये 35 डिवाइड बाय ये नंबर से किया 4 के, तो आपको देखो 8.75 आया। अब इसे मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ज़्यादा आ गए, यहाँ पे उससे भी एक कम आया। तो यहाँ पे अगर मुझे डेसिमल प्लेस ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए नंबर, तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूला के पहले ही मैं टाइप करूँगा ट्रंक, TRUNC, और ब्रैकेट ऑन, ओपन एंड क्लोज और इंटर। तो देखो इंटीजर नंबर आ गया राउंड फिगर वाला, उसी को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। तो देखो इस तरह से ये सब राउंड फिगर आ गए। तो इस तरह से राउंड फिगर ला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपका एक कोई फॉर्मूला होगा जिसके आंसर आपके डेसिमल प्लेस में आते हैं, तो उसके आगे भी सेम सिंपल कि आप ट्रंक लिख दीजिए, ट्रंक ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, तो आपका आंसर भी राउंड फिगर में आएगा इस तरह से विदाउट डेसिमल प्लेसेस। तो ये ट्रंक फॉर्मूला बहुत ही काम का है, बहुत जगह पे यूज़ हो सकता है। तो आप भी यूज़ करके देखिए। थैंक यू।